काम क्रोध जिनके नाही, लोभ मोह पुनि नाही, सुंदर ऐसे संत जन दुर्लभ या जगु माही। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपके इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के आठवें दिन दिनांक 12 फरवरी की खबरों से। कुंडलपुर नगरी में खुशियां छाई, प्रियंवदा देने आई बधाई। वीर प्रभु का मंत्रोच्चार के साथ नामकरण एवं पाठशाला गमन। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी मरासा के पटधरद्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि गच्छाधिपति श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी के मंगलाचरण के साथ भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज, विमल गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रद्युम्न विमल सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य श्री नरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में क्षत्रिय कुंड नगरी में प्रभु के जन्मोत्सव की बधाई एवं नामकरण एवं पाठशाला गमन का कार्यक्रम कलाकारों द्वारा किया गया। राज दरबार में राजा सिद्धार्थ को प्रियंवदा दासी द्वारा जन्म की बधाई दी गई, जिसका लाभ शाह पारसमल जी मिश्रीमल जी संघवी दादहाल ने लिया। प्रभु का नामकरण आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज ने मंत्रोच्चार करके प्रभु की भुआ भुड़ोसा के लाभार्थी शाह कालूचंद जी साकलचंद जी हुक्माणी पांथेड़ी ने सपरिवार राज दरबार में पधार कर वर्धमान नामकरण किया। परिवारजनों ने अष्ट प्रकारी सामग्री सहित विविध आभूषण प्रभु को अर्पण किए। धर्म सभा में आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज ने कहा कि भांडवपुर की पुण्यवंत धरा पर पुण्य सम्राट श्री का पुण्य बरसता है और योगी राज श्री का तप ध्यान तपता है। प्रतिष्ठा के निमित्त कार्य दक्ष मुनिराज श्री आनंद विजय जी महाराज की सदप्रेरणा से बनने वाली गौशाला में जीव दया हेतु संस्थापक सदस्यों के लिए बनाई योजना में अनेक पुण्यशालियों ने अपने नाम अंकित करवाए, जो गौशाला संकुल में पट्ट पर लिखे जाएंगे। महोत्सव के आठवें दिन दिनांक 12 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त भगवान का नामकरण, पाठशाला गमन कार्यक्रम राज दरबार में विभिन्न पात्रों द्वारा मंचन किया गया। पाठशाला में राजगुरु बनने का लाभ शाह मांगीलाल जी भूमराज जी संकलेचा मैंगलवा ने लिया। संघवी श्री राजेंद्र करणपुरिया ने कार्यक्रम में भक्ति गीतों से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। दोपहर में श्री जिनेन्द्र पंचकल्याणक पूजा शाह जयंतीलाल जी हस्तीमल जी कागरेचा ओटवाला की ओर से संगीतमय पढ़ाई गई। प्रातः की नवकारसी शाह तरुण कुमार जी मूलचंद जी छत्रिया वोरा जीवाणा की ओर से, दोपहर की नवकारसी श्रीमती शांति देवी नैनमल जी हुक्माणी पांथेड़ी की ओर से एवं शाय की नवकारसी शाह ताराचंद जी तेजराज जी हुक्माणी पांथेड़ी की ओर से हुई। आयोजन में प्रभावना शाह दिलीप कुमार जी पारसमल जी हुक्माणी पांथेड़ी, परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना संघवी शाह मगराज जी हंसराज जी खिमसेरा अकोली की ओर से एवं प्रभु भक्ति और रोशनी शाह नेमीचंद जी तिलोकचंद जी हुक्माणी पांथेड़ी की ओर से हुई। साई कुमार पाल महाराजा की आरती का लाभ शाह नेमीचंद जी गौरीचंद जी बालगोदाम मैंगलवा ने लिया। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पीठ ही श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा संपादित होने वाले इस प्रतिष्ठोत्सव में तरुण परिषद एवं समर्पणम परिवार के कर्मठ युवाओं के द्वारा विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जा रही है। परिषद के मीडिया प्रभारी श्री ब्रजेश भोरा लाइव प्रसारण के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे हैं। भोजन कोर कमेटी द्वारा भोजन की सुंदर व्यवस्था हो रही है।
साथ ही श्री अशोक गांधी द्वारा प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं आवश्यक सूचनाओं की उद्घोषणा स्वागत कक्ष से की जा रही है। आज प्रतिष्ठोत्सव में महंत श्री देवा भारती जी शूर श्री गोपाल जी महाराज धन्नानी एवं जनप्रतिनिधि श्री दीप सिंह जी धन्नानी पधारे, जिनका बहुमान किया गया। तो ये था आज का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 9वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव 9वें दिन दिनांक 13 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त भगवान की सगाई एवं मामेरा का आयोजन कलाकारों द्वारा मंचित होगा। प्रातः पुण्य सम्राट गुरुदेव श्री के 70वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में मधुकर जीवन दर्शन मंडपम, रत्नत्रयी मंडपम, साधना स्थली गुफा प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन लाभार्थी परिवारों द्वारा किया जाएगा और गुणानुवाद सभा का आयोजन गुरु भगवंतों की निष्ठा में होगा। दोपहर में श्री शांतिनाथ पंच कल्याणक पूजा संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी, दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। गुरु की महिमा अपरंपार, वही है आत्मा का सार, ज्ञान का स्रोत, दीप्ति का प्रकाश, जीवन को समृद्धि से करता आवास। उनके शिक्षा में छुपा है आध्यात्मिक सार, गुरु की कृपा से होता है मन का उद्धार। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोद्वारक आचार्य देवश्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा की प्रेरणा से चल रहे भांडपुर यूट्यूब चैनल पर एक्मे आईटी सॉल्यूशन जोधपुर के कोऑर्डिनेशन में नाकोड़ा स्टूडियो भीनमाल के वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भांडपुर यूट्यूब चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। जय जिनेंद्र।